आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। जिले के तुलसीपुर में भवनियापुर हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा, जिसके बाद सीएम योगी शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले महा पाटेश्वरी देवी का दर्शन और पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर में ही स्थापित काल भैरव की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में डीआईजी कमिश्नर व डीएमएसपी सहित जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने विधायकों व संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और जिले के विकास पर चर्चा की। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी से मिलकर लौटे तुलसीपुर विधानसभा सीट से विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने बताया कि सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ जिले के विकास पर चर्चा की है, साथ ही बाढ़ के संबंध में भी सचेत रहने को कहा। उनका कहना है कि बाढ़ कभी भी आ सकती है, नाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सतर्कता बेहद जरूरी है। विधायक ने बताया कि सीएम योगी ने कहा कि सरयू नहर परियोजना, जो कि महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है, पानी हर एक किसान को मिलना चाहिए। यदि माइनर नहीं है तो इसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द स्वास्थ्य एटीएम स्थापित करने का निर्देश भी दिया है, जिससे गरीबों को आसानी से दवा उपलब्ध हो सके। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान देवीपाटन मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कराने के साथ ही हर दर्शनार्थी को पर्याप्त व्यवस्था व दर्शन की सुलभता प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। क्या विकास परियोजनाओं पर और किन किन बातों पर मंथन हुआ है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले के अधिकारी, डीआईजी, कमिश्नर और हम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर को किसी प्रकार की परेशानी ना पैदा हो, उनको सुगमता से भगवान माता जी का दर्शन हो जाए। और चूँकि हमारा ये बलरामपुर और देवीपाटन क्षेत्र नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसलिए कहीं बाहर की शक्तियाँ किसी प्रकार की को महाराज जी ने सचेत किया और निर्देश दिया कि जो परंपरागत तरीके से दर्शनार्थियों की सुविधा मिलती थी वो मिले, एक बात। और दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि शारदीय नवरात्र में जो लोग दुर्गा मूर्ति रखते हैं, ये प्रयास किया जाए कि कोई सार्वजनिक स्थान पर, सड़क पर, पार्क पर, सार्वजनिक पार्क पर कोई न रखे, अपने निजी परिसर में उसको रखें, इसका भी ध्यान रखा जाए। और अभी उन्होंने कहा कि बाढ़ की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए अधिकारी बाढ़ की दृष्टि से भी सतर्क रहें, कभी भी बाढ़ आ सकती है, नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो, चौकियां बनाई जाएँ बाढ़ की दृष्टि से। और तीसरी बात, उन्होंने जो कहा कि सरयू नहर योजना की जो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी नहर है, तो उस नहर के भी पानी अधिकाधिक लोगों को मिले, जहाँ माइनर्स नहीं हैं वहाँ माइनर्स बनवाने के लिए नए प्रस्ताव भेज दिए जाएँ। और एक बहुत और महत्वपूर्ण बात बताई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य विभाग के लिए कहा कि कोई एटीएम, स्वास्थ्य एटीएम बनाने की योजना है, तो उन्होंने कहा कि एटीएम को तत्काल स्थापित करके और गरीबों को दवा दिलाने का की व्यवस्था की जाए। इन्हीं सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया। हम लोगों से भी फीडबैक लिया कि अगर मेले के बारे में या विकास के बारे में कोई आप लोगों की कोई फीडबैक हो तो उसको भी दें, तो जो हम लोग की भी सूचना थी उसको मैंने मुख्यमंत्री जी से शेयर किया। ठीक है, धन्यवाद। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।